आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म ब्लैकमेल। फिल्म के लीड रोल्स में है इरफान खान, कृति कुल्हाड़ी, अरुणोदय सिंह, ओम वैद्य, अनुजा साठे, प्रद्युमन सिंह और गजराज राव। एक आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी उर्मिला मातोडकर। फिल्म का डायरेक्शन किया है अभिनय देव ने, जो कि इससे पहले दिल्ली वैली जैसी कामयाब फिल्म बना चुके हैं। ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी है देव कौशल की, जो कि एक टॉयलेट पेपर कंपनी में सेल्समैन है। वो मैरिड है और उनकी वाइफ है कृति कुल्हाड़ी। एक शाम वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ बिस्तर पे देखता है। अब उसके दिमाग में अलग अलग तरह के प्लान्स आने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए, वाइफ को मार दे, उसके बॉयफ्रेंड को मार दे, या फिर उसके बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करे। इसके बाद फिल्म में बहुत से ट्विस्ट आते हैं, सिचुएशंस बद से बदतर हो जाते हैं, और इस खराब सिचुएशन से देव कौशल खुद को निकाल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आप फिल्म देखें। ट्रेलर देख के आपको फिल्म के प्लॉट का तो पता चल ही गया होगा। फिल्म में सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन थ्रिल भर भर के है। फिल्म में एक के बाद एक ऐसे सीन्स आने लगते हैं कि फिल्म को आप और ज्यादा कंसंट्रेट होके देखने लगेंगे। फिल्म के पहले 15 मिनट में देव कौशल के व्यक्तित्व को दिखाया गया है, उसके मैरिड लाइफ पे फोकस करने के साथ साथ उसके ऑफिस के माहौल को भी दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में जहां पे देव अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पे देखता है, उस सीन का स्क्रीन प्ले बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे साउंड्स को मिक्स किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ किचन में बज रहे कुकर की सीटी वगैरह की आवाज को बहुत ही तरीके से सीन में पिरोया गया है। इस सीन को इमोशनल करके दिखाया जा सकता था, लेकिन इसे एक ड्रामेटिक सीन बनाया गया और उसके बाद एक सॉन्ग के जरिए सीन को इमोशनल बनाया गया। साथ ही साथ सॉन्ग के बीट्स के साथ इरफान का दौड़ना इस सीन में एक यूनिकनेस लाता है। हमने फिल्मों में इमोशनल सीन्स बहुत देखे हैं, स्पेशली जब सिचुएशन ऐसी हो जैसी देव कौशल की थी, जब वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ बिस्तर पे देखता है। इस तरह के सीन्स में हमें अक्सर रोना धोना या फिर गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इरफान खान के हाव भाव एकदम अलग थे। उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल की दिखाई पड़ती है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स भी है जहाँ आपको डायरेक्टली डायलॉग बोल के कहानी को बताने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि बैकग्राउंड में किसी प्रॉप को दिखाकर या फिर एक्टर के एक्शन से ये पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये एक यूनिक तरह से बनाई गई फिल्म है, जो अक्सर हमें बॉलीवुड में तो देखने को नहीं मिलता है। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जहां पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के बलबूते फूहड़ जोक सुना के आपको हंसाने की कोशिश नहीं की जाती है। यहां पर डायलॉग्स और खास तौर पर सीन में दिखाए गए किसी प्रॉप को दिखा के आपको वो सीन समझाया जाता है, आपके चेहरे पे स्माइल लाई जाती है। इस तरह की फिल्मों में कॉमेडी सिर्फ आपको हंसाने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये फिल्म की स्टोरी का हिस्सा होता है और वो कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। इरफान खान की एक्टिंग की बात करें तो ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। एक फ्रस्ट्रेटेड सेल्समैन जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, ऐसे इंसान के किरदार को उन्होंने अपने एक अनोखे अंदाज में पेश किया है। कृति कुल्हाड़ी ने इरफान खान की वाइफ का किरदार निभाया है और उनका काम भी ठीक ठाक है। अरुणोदय सिंह की बात करें तो ये उनकी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। फिल्म के लास्ट में काफी वक्त तक उन पर ज्यादा फोकस किया गया है और उन्होंने इस मौके को भुनाया भी है। ओमी वैद्य इरफान के बॉस के रूप में नजर आते हैं और उनका काम भी ठीक ठाक है। इनके अलावा दिव्या दत्ता, प्रद्युमन सिंह और गजराज राव भी अपने अपने किरदार में अच्छे लगे हैं। फिल्म के डायलॉग्स भी प्रद्युमन सिंह ने लिखे हैं, जो कि अच्छे हैं। फिल्म का डायरेक्शन किया है अभिनय देव ने, जो कि इससे पहले दिल्ली वैली बना चुके हैं। दिल्ली वैली में काफी सारी गाली गलौज रखी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ फिल्म को थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा हो तो एक बोरिंग स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में काफी दिमाग लगाया गया है। सीन में सिर्फ म्यूजिक ना डाल के बाकी चीजें जैसे थिएटर में चल रही मूवी के साउंड के साथ साथ वीडियो गेम की साउंड को भी मिक्स किया गया है। फिल्म में उर्मिला मातोडकर का एक आइटम सॉन्ग भी है, और ये आइटम सॉन्ग उन्होंने क्यों किया है ये तो वो ही बता सकती है। एक तो आइटम सॉन्ग और ऊपर से उस सॉन्ग के सिर्फ शुरुआत और लास्ट में वो नजर आती है, बाकी के पूरे सॉन्ग में कन्वर्जेशन दिखाया गया है दो लोगों के बीच में। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक काफी एवरेज है, लेकिन फिल्म का एक सॉन्ग निंद्रा सुनने के साथ साथ देखने में भी काफी अच्छा लगता है। लोकेशंस की बात करें तो लोकेशंस वही है जो स्टोरी की डिमांड थी। फिल्म की एक दो गलतियां, जैसे कि एक लाश की आंख का फड़फड़ाना, इन एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऑल इन ऑल ये एक एंटरटेनिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, लेकिन एक दो सीन में आपको दिल्ली वैली की झलक जरूर नजर आएगी, बाकी फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी फिल्म रिव्यू के साथ। तब तक के लिए